तो सबसे पहले तो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे श्रेया जी. थैंक यू. थैंक यू. कैसा रहा आज का दिन एंड किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है आज के इस मौके को लेकर? आज कंसिडरिंग आज मेरा पहला जन्मदिन है तो ज़्यादा सेलिब्रेशन तो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे. बट आई थिंक यू नो एक चीज़ जो ये पिछले कुछ दिनों में समझ में आई कि बहुत काम 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 बहुत कर रहे थे. थोड़ा फैमिली को टाइम देना, थोड़ा खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. सो आज का दिन, आज की शुरुआत ही वैसे थी कि नहीं फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड किया है सुबह से. माई डॉटर हैज़ बीन वेरी क्या कहते हैं हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग. तो आज उसने काफ़ी सारी तैयारी सुबह से वो कर रही है कि डैडा लंच पे भी बाहर जाएंगे, डैडा आपके लिए सरप्राइज़ है. उसने गिफ्ट खुद एक तैयार किया, कुछ पेंटिंग्स तैयार की और अभी भी शाम को केक वेक की तैयारी वो सारी कर रही है. तो उसने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि डैडा आप रूम में नहीं आएंगे मेरे, में वहाँ पे सारा माहौल करने वाले. सो आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ा सेलिब्रेशन और क्या हो सकता है कि आपके करीबी लोग आपके लिए सोचे, आपके लिए कुछ तैयारी करें. सो बस स्पेंडिंग डे विद द फैमिली एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. तो आपके ज़रिए सारे फैंस के साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ. सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी. सबसे आज का सबसे पहला विश किसने दिया आपको और क्या था वो अगर आप बता सकते? बीवी ने, जिसने जान बचाई, जिसने पुनर्जन्म करवाया है, जिसने दोबारा जन्म दिया, तो उसी ने विश किया. एंड आई कैनॉट थैंक हर इनफ फॉर व्हाट शी इज़ डन, यू नो, बिकॉज मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा लाइफ पार्टनर हर किसी के नसीब में आए कि जो लिटरली क्या कहते हैं मौत के मुंह से आपको छीन के वापस ले आए. सो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी ब्लेस्ड एंड इतने सारे लोगों के दुआएं, इतना प्यार है. तो आई थिंक आई हैव प्रॉब्ली रिसीव्ड वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स एवर दिस बर्थडे. सो मैं और वाकई में देयर इज नथिंग मोर दैट आई नीड. कैसी अब आपकी तबीयत? बहुत ही नेशनल न्यूज़ बन गई थी. जी जी, नहीं अभी बेटर हूँ क्योंकि इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर एवरी वन एंड इक्वली फॉर मी ऑल्सो. बिकॉज इतनी सडनली ऐसा कुछ हो जाएगा ये सोचा नहीं था. बट यू नो गॉड इज़ ग्रेट. आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिला और वक्त से दीप्ति ने, बाकी लोगों ने जो हेल्प किया, तो यू नो क्या कहते हैं आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं. अदरवाइज इट वुड हैव गॉन दी अदर वे ऑल्सो. बट मैं बस काफ़ी सारी चीज़ें, यू नो, आप सडनली आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि मैं क्या कर रहा था, क्या करना चाहिए. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि यार थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है. यू नो आपकी हेल्थ को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले सकते यार, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ वन सेकेंड. यू नो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो बिकॉज मैं मौत भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि क्या होता है और कितना टाइम लगता है, यू नो व्हाट हैपेंस. सो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ दैट वन सेकेंड. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो वन सेकेंड के लिए आपके हेल्थ को थोड़ा संभालें, थोड़ा रेगुलर चेकअप्स करें. आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल्स देती रहती है, आप उसको सुने और उसको रिस्पेक्ट करें. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स दैट आई हैव लर्न. काम तो करूँगा लेकिन उस तरीके से क्या कहते हैं पहले की तरह, मतलब लगे हुए 18-18 घंटे, 16-16 घंटे वैसे नहीं. आई वुड लाइक टू गिव सम टाइम टू माई सेल्फ, टू माई फैमिली एंड वर्क इक्वली. सो वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस थोड़ा करना चाहूँगा. जो अभी ये थियोरी क्या कहते हैं कोई इसको क्रैक नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड ये ज़्यादा लोगों में देखा गया है, तो पोस्ट कोविड थोड़ा सा ब्लड थिकनिंग ज़्यादा शुरू हुआ है. एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैज़ हैपेंड. तो इसीलिए मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि हेल्थ चेकअप्स हमारे करने बहुत ज़रूरी है. फिर चाहे वो स्ट्रेस टेस्ट हो या ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी हो जो हार्ट रिलेटेड है. बट सिमिलरली देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, बट हार्ट रिलेटेड हम प्रॉब्लम ज़्यादा देख रहे हैं कि अचानक कोई
खेल रहा है और ग्राउंड पे गिर गया और बेचारा चला गया, यू नो। एंड 12 साल का, 18 साल का, 28 साल का, 30 साल का, अभी ऐसा एज का कुछ रहा नहीं है। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो बिगनिंग से ही थोड़ा सा ख्याल रखें। शायद लोग कहते हैं कि अरे आप तो कुछ ना तो शराब, ना सिगरेट, ना ऑयली, ना सॉल्ट, ना शुगर, कुछ नहीं, वर्कआउट वगैरह करते थे, तो आपको कैसे हुआ? तो आई एम सेइंग कि अगर मेरे जैसे इंसान को हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। फ़र्क शायद ये है कि बिकॉज मैं ये सारा कर रहा था तो मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त मिला, यू नो। तो अगर आप शायद ये नहीं करोगे तो शायद आपको वक्त नहीं मिलेगा। सो मैं फिर भी ये कहूँगा, आई स्टिल एडवोकेट द फैक्ट दैट नहीं, आप यू नो शराब सिगरेट से तो जितना आप दूर रहे उतना बेटर, लेकिन इवन इन टर्म्स ऑफ योर डाइट, योर हेल्थ, योर लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों पे भी उतना ही ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एस्पेशली आज के टाइम में जब पता नहीं कोविड ने हमारा और क्या क्या नुकसान किया। इन सब के अलावा श्रेयस जी आज हमारे सामने हैं, हमसे अच्छी खासी बातें कर रहे हैं, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके हम यही चाहते हैं कि फैमिली को टाइम दें, जितना आप काम करना चाहें उतना ही काम करें। हमने आपके जी 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 ने देखा जी, क्या कुछ आएगा गोल माल या जो भी आप बता सकें? फिल्में तो आएंगी अभी, आई थिंक जी, मतलब जो सारी की है वो अभी एक एक करके सब रिलीज पे है, एंड आई थिंक इमरजेंसी की डेट अनाउंस हुई है, जिसमें द मराठी फिल्म जो अभी मार्च में रिलीज़ होगी। सो फिल्में तो आएंगी, फिल्में तो करता रहूँगा बिकॉज उतना ही आता है, यू नो, और कुछ तो आता है नहीं। सो वो तो करूँगा, लेकिन ये बात है कि थोड़ा आराम से करूँगा जी। वेलकम की शूट शुरू होगी, यू नो, वेलकम के सेट पे ही थोड़ा सा झटका मिला था, बट वेलकम की शूट से ही शुरुआत करूँगा काम की। तब तक आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी इजी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एक्चुअली ऐसा कुछ होता है उसके बाद में आपको काम करने की इच्छा और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, और आई एम लुक फॉरवर्ड टू दैट। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई एम श्योर सो इज़ माई डायरेक्टर अहमद खान, ही इज़ अ कम्प्लीटली मैड फेलो, और जो मस्ती हम लोग ने 5 दिन में की है, सो आई कैन नॉट वेट टू यू नो एक्सपीरियंस दैट होल मैजिक फॉर द नेक्स्ट 30-40 डेज जो भी हम लोग शूट करेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई एम श्योर इवन पीपल आर वेटिंग बिकॉज इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, तो वो सब क्या पागलपन करेंगे ये सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल वेलकम है, फिर इमरजेंसी है, एक दो अलग मराठी फिल्में हैं, एक संगीत सिवन जी की फिल्म है, वो भी बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट और अलग किरदार है। सो इन दैट रिस्पेक्ट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि अलग अलग डायरेक्टर्स मुझे अलग अलग किरदारों में देखते हैं और वैसा चैलेंज मेरे पास थ्रो करते रहते हैं। फैंस को इस बार तो ढेर सारा शुक्रिया कहना चाहूँगा, मैसेज कुछ नहीं, आई थिंक फैंस के प्यार ने, दुआओं ने, ब्लेसिंग्स ने, और यू नो उनकी इच्छा शक्ति ने मुझे बचाया है। सो आई थिंक I just want to thank them from the bottom of my heart, and it is a debt that I don't think I can ever be able to repay. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you so much. Hi, hi, hi. आप तो यही सोचते हो कि यार मुझे काम भी लगा था, चल रहा था 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे, आप सोचते हो काम की वजह से, तो उसकी वजह से काम है, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ले लूँगा अगले महीने, ले लूँगा अगले महीने, कुछ और आ जाते हैं, फिर आप और करते रहते हो। स्पेशली कोविड के बाद तो क्या हुआ कि आपको ऐसा लगने लगा यार पता नहीं दोबारा ऐसी सिचुएशन कर रहा है, तो अभी काम है तो हम कर लेते हैं, श्योर करते रहते हो। शो कर रहा था उसमें पुष्पा का डबिंग भी आ गया था, उसमें I was very happy. अगर लोग मुझे कह रहे हैं कि यार बहुत स्ट्रेस हो गया है, थका नहीं, मैं चेकअप भी कर रहा था। अच्छा, ECG भी चेकअप भी करा रहा था। ECG भी आपने किया? उसमें भी नहीं मालूम पड़ा। सब नॉर्मल, 2D एक्टो भी किया, सोनोग्राफी भी की, ब्लड टेस्ट करा अलग अलग, उसमें पता चला थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ऐसे बहुत ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया, उसकी दवाई ना चली, ऐसा कुछ होगा। थैंक यू।
वाढदिवस से हार्दिक शुभेच्छा दादा तुम्हाला. थँक्यू. खूप दुःख झालं दादा आम्हाला तुमची. आता तब्येत कशी आहे? आता बरी. खूप छान आहे. काय सांगू शकता का तुम्ही? आता बरा बरं आहे यार. लोकांचे खूप खूप आभार, खूप खूप प्रेम. आणि मला वाटतं आज आता मला नितेश भाऊंचा पण फोन आला होता. हो हो. ते बोलले तुमचा पहिला वाढदिवस मुबारक हो. सो आय गेस इट्स अन इम्पॉर्टंट डे, इट्स अ स्पेशल डे. And of course, I wanted to share this day with my fans, with all of you. And I wanted to thank everyone for, you know, for loving me so much, for praying for me, for blessing me. And I think I'm very fortunate, you know, ki kai prem hai, lokancha kiti prem hai, ke mala asa anubhavayla milala. So, devache aabhar. And sarvat pratham tumcha aawajacha jo chitrapat hai, Pushpa. त्याचा आवाज तुमचा खूप एकदम प्रसिद्ध झाला आहे. तर आता सेकंड पार्ट येणार, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय काय बोलायचं? आय एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दॅट, यु नो काय म्हणतात त्याला. आणि जितका मी रेस्ट करीन तितका आवाज जास्त फ्रेश असेल. हो हो. सो जितकं प्रेम लोकांनी फर्स्ट पार्टला दिलं आहे, तर आशा अशीच आहे की दुसऱ्या पार्टला सुद्धा तितकंच प्रेम मिळावं किंवा खूप जास्त मिळावं. सो मेहनत तशीच राहणार आहे, त्याच्यात काही फरक पडणार नाही. तर काय पुष्पा तर काही असा सेकंड पार्टचा एक डायलॉग सांगू शकता का? म्हणजे ज्याने आम्हाला मोटिवेशन चालू आहे. हां हां. जेव्हा मला वाटतं शूट संपेल त्याच्यानंतरच कळेल. सो आता काय सांगताय? मग तुम्ही खूप प्रसिद्ध आहे महाराष्ट्रामध्ये. खूप दुःख झालं की लोकांना जर वाटलं की आपल्या दादाचा आजार म्हणजे वाढला होता, तर त्यांच्याबद्दल काय? लोकांनी जसं म्हणालो की खूप लोकांचे आशीर्वाद आहेत, देवाचे आशीर्वाद आहे. आणि देवाच्या रूपानेच सगळे धावून आले त्या दिवशी. ते मला गाडीतनं हॉस्पिटलमध्ये नेणारी माणसं असो किंवा डॉक्टर्स असो, त्यांचे सगळं स्टाफ असो, माझी बायको आणि देव. सो आय थिंक या सगळ्यांमुळेच आज मी